जाए मैं लाइटर नेबर से मांग के लाए लाइटर माचिस में नहीं है ये लोल हो जाएगी पता है नहीं दादा है ही नहीं इधर मुझे पता मेरे घर में Alright, so congratulations. Thank you. Turn actor. यार ये बोलना जरूरी था हाँ किसी टाइम में मैं भी रिपोर्टर थी Yes. तो कुछ बताना चाहेंगे आप रिपोर्टर के बारे में रिपोर्टर की जो फीलिंग एंड नाउ अब एक्टर आप रिपोर्टर में भी क्या फीलिंग होती है उसमें अलग उससे अगर एक इंसान एक्टर बन जाए एक्टर का तो मैंने सोचा नहीं था फर्स्ट और रिपोर्टर का ऐसे है कि हाँ काफ़ी सारे जो हमारे पॉलिटिक्स वाले हैं और सबसे मिलना होता था और अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते थे यही पहले आपको भी मिलते होंगे सबको तो ये सब था मज़ा आता था मुझे बट हाँ मैं थोड़ी कमज़ोर वाली रिपोर्टर थी मेरा कैमरामैन बेचारा तंग हो जाता था बट ठीक है कभी कभी बना लेती थी मैं भी कुछ ना कुछ तो जब मैं एक्टर बनी तो मैं भूल गई अभी मुझे याद आया आपने देखा कैमरा ऑन किया तो मुझे भी याद आ गया कि मेरा भी एक कैमरामैन था और मैं रिपोर्टर थी कमजोर वाले रिपोर्टर थी मतलब समझा नहीं मैं ये से कमजोर वाले लाइक कि मैं प्रोफेशनल नहीं थी सो अभी नया नया ज्वाइन किया था तो सीख रही थी चीज़ें तो मेरा कैमरामैन मुझे बहुत सपोर्ट करता था कि मैम ऐसे बोलना आप ऐसे बोलना ये स्टोरी बनाना वो स्टोरी बनाना कोई ऐसी गिफ्ट वाली मेमोरी है यूलिन जी की है ना मेरे पास चंडीगढ़ होटल पार्क प्लाजा का एक कप है जो आज भी मेरे पास है पंजाब में तो वो मुझे गिफ्ट में मिला था जब वो होटल ओपनिंग हुई थी तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था तो वो कप अभी भी मेरे पास है एंड नाउ विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे थैंक यू सो आज का दिन कितना बड़ा दिन होता ही आपके लिए एंड कितना कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है क्या कुछ होने वाला है हालांकि आपका घर बहुत ब्यूटीफुल है ओह थैंक यू सो मच पेंटिंग भी देखिए अंदर बहुत ही पेंटिंग है एंड थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि आज का दिन कितना सेलिब्रेशन करने कितना सेलिब्रेशन होने वाला है जो मैंने सेलिब्रेट करना था वो आप लोगों के साथ कर लिया क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों को बुला नहीं पाऊँगी और ना ही मे भी कोई आएगा इस टाइम पे और आ भी जाएगा तो सेफ नहीं रहेगा तो बेस्ट यही है कि घर पे रह के छोटा सा सेलिब्रेट कर लो क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा मीडिया के साथ ना कि ऐसे मुझे मीडिया के साथ सेलिब्रेट करना है अभी फ्रेंड्स को तो बुला नहीं सकती हूँ मैं तो जो मेरे फैंस हैं मुझे ऐसे देखेंगे बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं खुश हूँ बर्थडे के दिन मैं अपने आप को सरप्राइज पार्टी दे रही हूँ मीडिया के सामने सो यही बस रीज़न था और कुछ और इतना बड़ा नहीं कुछ इतना हमेशा कुछ खास ऐसे रहता नहीं है बस ठीक है फैमिली के साथ होती हूँ सेलिब्रेट करती हूँ छोटा सा हाँ इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वाकई में कुछ बड़ा कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो जी बिल्कुल हम हमेशा आपके साथ रहेंगे
बहुत ही ब्यूटीफुल एंड क्यूट बबली टाइप्स का आपका आउटफिट भी है, तो थोड़ा सा अगर आप बता सके कि ये क्या कुछ है एंड अपने फैंस को क्या कुछ है। ये जो फ्रॉक है मैंने 3 साल बाद निकाल के पहनी है, मेरी मॉम ने मुझे परचेस किया है, ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये मेरे मॉम ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो मैंने ये आज मैंने सोचा कि मैं पहन लूँ। और ये तो मुझे ऐसे बच्चों वाले जो क्लिप्स है मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे मतलब मेरी जो ऑलमोस्ट जितनी सारे गेटअप है सब ऐसे रहते हैं, फ्रॉक के साथ क्यूट सी बबली सी लड़की बन के रहना, तो मैं ऐसे गेटअप ज़्यादा पसंद करती हूँ। यू नो, बचपन में हम बर्थडे सेलिब्रेशन का एक अलग ही अंदाज होता है, हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। सो कुछ ऐसी मेमोरी है मॉम डैड के साथ एंड बचपन की यादें? बचपन में दोस्तों के साथ तो कभी ऐसे ऐसे मैंने कभी बचपन में सच बोलूँ तो दोस्तों के साथ मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, चाहे वो स्कूल फ्रेंड हो चाहे वो नेबर्स के दोस्त हो कोई भी हो, पर मैंने किसी के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। मैंने हमेशा अपने मॉम डैड के साथ ही सेलिब्रेट किया। ये मुंबई शिफ्ट होने के बाद मैंने देखा ये दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं। मुझे तो ये था फैमिली के साथ ही बैठते हैं बर्थडे के दिन, वहीं मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वहीं सेलिब्रेट करते हैं ये सब। एंड ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो भी हम देख रहे हैं एंड आपके आ रहे आए एंड और भी कुछ आने वाले हैं, तो अगर आप थोड़ा सा बता सके कि और आने वाले दिनों में कौन कौन से म्यूजिक वीडियो हमें देखने को मिलेंगे एंड किस अंदाज में देखने को हम आपको देखेंगे स्क्रीन पे, लाइक रोमांटिक? रोमांटिक, बहुत रोमांटिक। ये आप अभी जो मेरी म्यूज़िक वीडियो आने वाली है आपको बिल्कुल जीतो युवलीन से हट के डिफरेंट सब होगा, सब होगा, आपको वो पता नहीं चलेगा ये वाकई में युवलीन है, जीत तो है छोटी सरदारनी वाली, पर ठीक है कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ अभी, सोचा प्लान आउट किया, 2-3 म्यूज़िक वीडियो अभी शूट होने जा रहे हैं। तो बाकी जो अभी कर चुकी हूँ उनका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी मेरा जो बाखुदा रिलीज हुआ था सुरेश राय के साथ एंड कुणाल के साथ, उसका भी अलग ही मज़ा था। वो 2-3 साल पहले शूट हुआ था, किसी रीज़न की वजह से हम रिलीज़ नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये लेट रिलीज किया शूट, बट अच्छा रहा एक्सपीरियंस। पंजाब में भी काफ़ी जो मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हैं काफ़ी सारे सिंगर्स के साथ किए हैं, तो अभी पंजाब में मैं सोच रही हूँ दोबारा पंजाबी वीडियोस करने का। हिंदी तो कर ही रही हूँ, पंजाबी वीडियोस भी कर रही हूँ और पंजाबी मूवीज भी कर रही हूँ, तो आने वाले टाइम में आपको बम्पर प्राइज मिलने वाला है। जितना मैंने नोटिस किया है कि आपके फ़ैन हमेशा आप मतलब बाखुदा में मैंने देखा आपके फैंस एंड जो भी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट होते हैं एंड आज भी मैं देख रहा हूँ आपके फैंस बहुत एक्साइटेड रहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए जो हमेशा आपके प्रोजेक्ट आपके म्यूजिक वीडियो एंड आप बर्थडे को लेकर एक्साइटेड रहते हैं? फैंस की तो मैं फैंस हूँ, थैंक यू सो मच। मतलब मैं इतनी खुश हूँ जब मेरे फैन बेस, सच्ची में जब मेरे फैन बेस बनते हैं और फैंस मुझे मैसेज करते हैं मुझे इतनी खुशी होती है, ओह माय गॉड मेरे फैन बेस कितने बन गए हैं, मेरे फैंस कितने हैं और कितना प्यार देते हैं ये लोग, सच्ची मतलब पता नहीं ये लोग सच्ची फरिश्ते होते हैं, हमारे लिए तो फरिश्ते होते हैं क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें बनाते हैं। अगर ये लोग हैं तो हम हैं, अदरवाइज़ हम कुछ नहीं हैं। चलिए जाते आते कुछ कहना चाहेंगे आप आपके बर्थडे को लेकर कि क्या कुछ और सेलिब्रेशन होने वाला है आज की शाम? नहीं, शाम को तो ऐसा कुछ नहीं, एक छोटी सी फैमिली की गेट टुगेदर होगी, जो मुंबई वाली फैमिली की गेट टुगेदर होगी, पार्टी वार्टी तो खैर मैं नहीं करने वाली हूँ, तो बाकी अगले साल करेंगे जब कोविड खत्म हो जाएगा। बड़ा सेलिब्रेशन जिस दिन खत्म होगा उस दिन के कटे जाएंगे और बड़ा सेलिब्रेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड लक। थैंक यू सो मच।